ఇంద్రం న్యూస్ వెబ్ టీవీ.
गॾु आहियूं ऐं माजिद अबड़ो, जीअं त चाइना मां शुरू थियल करोना वायरस जेको आहे सो हिन टाइम सॼी दुनिया खे पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो आहे। उन ई हवाले सां आवाम जे सवाल में काफ़ी महिमान असांजा आहिनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि थींदी आहे, पर अॼु जेको आहिनि से एस एस पी मसूद अहमद भंगज साहिबु आहिनि असां सां गॾु आहिनि, जंहिं सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं करोना जे हवाले सां ऐं पुलिस डिप्लॉयमेंट जे हवाले सां बि। त असां जॉइन कयो आहे मसूद अहमद भंगज साहिब खे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के हवाले से पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना सेटिस्फाइड है खुद? जी, तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार तैनात हैं लॉकडाउन के हवाले से, और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमने लॉकडाउन को इंश्योर करवाया। सिंध हुकूमत के अहकाम थे, फेडरल हुकूमत की इंस्ट्रक्शन थी, और इस लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो पब्लिक को ही है कि उन वो लोग जो है ना इन चीज़ों से, इस वबा से बचें, और कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन इफेक्टिव रहे। अच्छा मसूद साहब, एक तरफ से देखा जा रहा है कि करोना वायरस जो है इसके हवाले से बड़ा सेंसिटिव इशू है और सारी दुनिया को उसने मुतासर किया हुआ है, जबकि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में देख रहे हैं कि जवान ऐसे हैं जिनके पास ना सैनिटाइजर्स हैं, ना हैंड ग्लोव्स हैं, ना ही कोई N95 मास्क है, तो क्या जब खुदा न खास्ता करोना आएगी तो इससे पुलिस के जवान मुतासर नहीं होंगे? आप क्या समझ रहे हैं इसके हवाले से? जी बिल्कुल, हमें सिंध हुकूमत और आईजी साहब की तरफ से अभी सैनिटाइजर और ये ग्लव्स वगैरह मिल गए, हमने ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और इसके साथ साथ जो है ना ये जो आपने मास्क आया है वो सब मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मैक्सिमम मेजॉरिटी हमारी फोर्स को भी ये चीज़ें अवेलेबल। देखिए ना, एक तो फ्रंट लाइन पे जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, और जबकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जवान ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमें ये भी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे जो अपना गिज़ा मिल रही है उनमें प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको गलत रिपोर्ट मिली है जी। बिल्कुल, हमने सेफ़ एंड सिक्योर फूड दे रहे हैं, और एक आध जगह कहीं ऐसी हो तो हो, अदरवाइज जो है ना हमने बड़ा इंश्योर किया है कि इनको सेफ एंड सिक्योर फूड दिया है। अच्छा मसूद साहब, ऐसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं, 144 जो एक्ट है उसके हवाले से बड़ा अमल भी कराया जा रहा है, लेकिन जो इसके अलावा तालुकाज हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में वो भी आप विजिट कर रहे हैं, वहाँ की डिप्लॉयमेंट आपने खुद देखी है या रिपोर्ट ले रहे हैं? नहीं, मैं डिफरेंट तालुकाज गया हूँ, डिफरेंट पुलिस स्टेशन की हदों में गया हूँ, और ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग ख़वातीन को बैठा कर निकलते हैं कि हम अस्पताल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं, वो मैक्सिमम झूठ भी होते हैं, लेकिन वो चूंकि अस्पताल का नाम लेते हैं, ख़वातीन का नाम लेते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल जाता है, अदरवाइज हम पूरी लॉकडाउन की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिन ब दिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि तकरीबन जैसे आपने अभी बताया कि लोग झूठ भी बोल रहे हैं आने के लिए, आज भी बड़ी रश देखी गई है शहर में, थोड़े सिटीजन्स मतलब ज़ाहिर हुए, उसके हवाले से आप मज़ीद सख्ती करेंगे या ये दिन ब दिन कम होती जा रही है? नहीं देखिए, ये हम सख्ती करते हैं फिर कहीं ना कहीं से जो है ना इनको कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है, और फिर कहीं ना कहीं से ये अपने लिए गुंजाइश निकालते हैं, और फिर शहर के अंदर काफ़ी घर हैं, काफ़ी मोहल्ले हैं जो हम लॉक नहीं डाउन, क्योंकि उनके तीन तीन चार चार रास्ते हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी मूवमेंट रहती है, फिर फूड सब्ज़ी फूड आइटम्स इसके लिए वो डेफिनेटली निकलते हैं, तो फिर मैक्सिमम हमें गलत बयानी भी करते हैं, तो कर रहे हैं, आंख मचोली ये चलती रहेगी पब्लिक के साथ, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज का मकसद पब्लिक के लिए जो है ना वो उसको इस वबा से बचाना है, तो ये हमारा फ़ायदा नहीं है, ये आवाम का और पब्लिक का फ़ायदा है। अच्छा मसूद साहब, अभी एक केस ज़ाहिर हुआ है, आप खुद तबलीगी जमात से कंसल्ट हैं, उनको मुतासर भी हैं उनके हवाले से, तो एक बंदा जो ज़ाहिर हुआ है तबलीग के हवाले से अफेक्टेड है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, या आपने कोई ज़ाती उनके लिए नोटिस लिया है? देखिए, नोटिस लेना मेरा काम तो है नहीं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ कर रही है, और वो कहीं बाहर से ही आए हैं, ज़िले से बाहर से, तो जो यहाँ पर तबलीग वाले हैं उनको 350 लोग हैं वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, और उधर हमारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, तो जहाँ तक पॉसिबल है हम स्टन एक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा, एमरजेंसी रूट्स आप बताना चाहेंगे कि कौन से रखे हुए हैं आपने, जो हॉस्पिटलाइज की तरफ जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज बंदे हैं तो उनके लिए कोई मखसूस रूट, जैसे अभी देख रहे हैं कि काफ़ी जगह से ऐसे हैं जहाँ पे रूट्स तो हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे, तो उनके लिए कौन सा रूट रखा हुआ है आपने जो हॉस्पिटल की तरफ से मतलब आना जाना रहे? देखें, हॉस्पिटल हमारे शेख जैद हॉस्पिटल है, एक सिविल अस्पताल है, एक चांडका वाले, तो इन तीनों के लिए एक एक रूट अवेलेबल है बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक आ जा रही है, आपको नज़र भी आ रही है, रोडों पर भी है,
तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको लॉकडाउन को कामयाब बनाएं ताकि लोग घरों से ना निकल सकें। अच्छा, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अभी जो देहातों वाले आपके पीएस है वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनको पूरे तरीके से अभी अवेयरनेस नहीं आई है कि ये इतनी जो वबा कोरोना है उसके हवाले से वो नहीं समझ रहे, उसको मजाक से ले रही हैं, संजीदगी से नहीं सोच रहे, उसके हवाले से आप उनको क्या डायरेक्शन देंगे अपने पीएस को? मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आप लोग इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि आप अपने इस कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है ना आप उनको बताएँ कि ये न निकलें, अपने घरों तक रहें और ये उनके लिए नुकसानदेह है और हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे शहर के लिए। अच्छा, अभी एक कल जो है सामने आया केस वलीद मोहल्ला से जो अपना सोशल ट्रांसमिशन से मुब्तला हुआ है, उसके हवाले से अब मैं वंस अगेन ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कौन से एफर्ट्स लेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए, जिसे वो मुतासर हुआ है सोशल ट्रांसमिशन से, तो आपके जो जवान हैं वो डिप्लॉयमेंट बड़ी अच्छी दे रहे हैं, रात दिन ड्यूटी पर भी हैं, उनके हवाले से आप सिंध गवर्नमेंट से क्या मतलब कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा सिंध हुकूमत हमें सपोर्ट कर रही है और अभी हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, हम फ्रंट लाइन पर हैं इस टाइम, दो डिपार्टमेंट्स बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हैं, एक हेल्थ और एक पुलिस, तो अगर हम छोड़ दें तो फिर ये लॉकडाउन नहीं रहेगा, कोई अदर फोर्स नहीं है जो ये लॉकडाउन करे, तो मैं समझता हूँ कि हम लड़ रहे हैं और हमेशा पुलिस ने किसी भी उसमें जो है ना कुर्बानी से दरेग नहीं किया, तो इसमें भी हम फ्रंट लाइन पर इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे। मंसूर साहब, अभी देखा गया है कि चाइनीज़ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि 28 डेज मज़ीद बढ़ाया जाए लॉकडाउन के हवाले से, तो पंजाब में ये अनाउंस हो गया है कि बढ़ाया जाएगा और 28 अप्रैल तक उन्होंने बढ़ाया है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, मज़ीद आप जो है सख्ती करेंगे या नॉर्मली लेंगे? देखिए जी, हम खुद कुछ नहीं करते, हमें गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी तो हम करेंगे, तो अगर सिंध हुकूमत की तरफ से जो अहकाम आएंगे उसको मनो अन हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं फिर भी आपके लोग फैन हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने घरों में महदूद रहें, कम से कम निकलें, जब आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं करीब जहाँ जितना करीब से मिल सकती है वो लेकर वापस घरों में जाएँ, और ये ऐसा टाइम है कि सारी कौम लड़ रही है, लड़ाई पॉसिबल है नहीं क्योंकि दुश्मन हमें नज़र नहीं आता, ये तो वायरस है और इसने काफ़ी मुल्कों को अपनी लपेट में लेकर उनकी सत्यानाश कर दी है, तो मेरा है अब आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें ये थोड़ा सा चंद दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, अगर हम एहतियात कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का, हमारे शहर का बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू जी। नाज़रीन, मसूद अहमद भंगर साहब जो गालियों में बुधू हैं उन्होंने यो चो था ही बिन किस्म की जंग जी आम मानू उन्होंने घर में आइसोलेट थी करे वेणो है, असंके जो सो उनके अमल कराण के बाहर न निकरो, ही सिर्फ उन्हें जो फायदो ना है, उन्हें खानदान जो फायदो आ, उन्हें जो पांजो फायदो आ। अच्छा, मज़े दिखो वे तो जी तक गाल कही तो वबा वो माहौल भी बन जगह थे, पर जैसे भी अगर पाकिस्तान
भी लॉकडाउन थे या अड़ा बया भी के भी छुसिया दोना बाबत भी पुलिस जो हम कदा रहे तो बिल्कुल न ई गाल के मु चयो त हाने जे के ही एलताई सेंसिटिव इशू आ त खुदा ने खास ता इन केस जे के दे असन जे हाने लाटकण में जिया डेली ट्रे केसेस सामू अचन ता रिसेंटली कलब एकड़ो केस जाहिर थ अवलीत में वो इन जे करे थ त सोशल ट्रांसमिशन जे करे उन जी हिस्ट्री जदे वर्ती थी ने तो वो बाहर ना या ट्रैवल करे कथा पे उनकी हिस्ट्री जी सोशल ट्रांसमिशन में ही मुब्तला थो असा जो पुलिस ज नौजवान उन्होंने मास्क भी ना है उनके सैनिटाइजर भी ना ही उनके हैंड ग्लोव जो प्रोवाइड किया वह जैसे खुदा ने खास अगम भी तो जैसे करोना इन में अचे थी तो यो थोड़ी पुछंदी तो भाई तुम पुलिस वारा हो तेर करोना में मुब्तला थो तो मतलब नॉर्मली ऑलरेडी ड्यूटी से डिप्लॉयमेंट में लगल आ तो उनके प्रोवाइड कर अच्छा माजिद उन गवर्नर सिंध एक सुनो कदम चे सोड़ो बेहतर कदम है तो उन डॉक्टर्स के लिए 150 किटू दिन सिर्फ डॉक्टर सजी सिंध के लिए 150 काफ़ी रही जी माजिद इन वक्त मां प्रेस क्लब के रोड से बीठो आया सिंध सरकार के तरफा ऐलानियल लॉकडाउन के अज 15 दिन थी विया आहिन उन जे बावजूद शहर में मुकम्मल दुकान बंद आहिन जी मां के बुधाई तो हलां तो इंतजामिया के हवाले से शहर में पुलिस रेंजर्स ए पाक फौज गश्त कर रही है डबल सवारी ते बिल्कुल पाबंदी है बेल सवारी बिल्कुल नथा छडन उन जे हवाले से मास सा गड मौजूद है शहरी अचो तो इन लॉकडाउन के हवाले से मालूम क्यों जी अदा अज 15 दिन थी लॉकडाउन के उनके हवाले से शहर में तुम हाल चवण है जी हाँ बिल्कुल अज शहर के 15 दिन बिल्कुल लॉकडाउन लगो पो अस शहरी परेशान लगा पाया मजदूर मानू आयु रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला आयु जी हाँ अज 15 दिन मुकम्मल लॉकडाउन आ न कें का शा खुलन डी पी वही न कें का शनी अस गरीब मूँ काडेंदे आखिर वफाक का हुकूमत का अपील आ सी सिंध हुकूमत का अपील आ असें सरकार राशन दिनों वही सरकार राशन रुगो आसरा ठला पर या वही लॉकडाउन के खत्म कर छन तो असा ताकि पाँची रोजी रोटी कमाए पे बचन के दई सकूँ हम अस गरीब मूँ अलह माँ एक न अलह केतरा नौजवान शहरी परेशान हैं इन जे 500 रुपया 300 रुपया कमाए जो रात जो सामान राशन पानी वत घर वही बचने खारा था पर उमल का जहरी गाल मजबूर थी ना जो शहर निकलूँ था तो पुलिस लाठीचार्ज करे थी रेंजर्स लाठीचार्ज करे थी उनका वही असर केस दाखिल कर गरीब मूँ केसन में जान छदाए या जो बचड़ा पाल बरा मेहरबानी से वफाक का अपील था क्यों या सरकार राशन असें पुजाए वे या यो लॉकडाउन जो सिस्टम खत्म कर वे जी नाजरीन अवा शहरी जो गाल बुधियो इन यो ही मुतालबो हो तो सिंध सरकार का वफाक का तो अस गरीबन के राशन दिनों वे या तो ये लॉकडाउन जो है खत्म कर वे जी बावजूद भी कड़ा सबब आज केस रुकजन न पाया
सब्र जो मुजाहिरो करना खपे पांजे घर में महदूद होजन खपे छो जो गवर्नमेंट जो ही टाइम अनाउंस थी करे वो इन जिला ना ही ता इन टाइम में वो वबा खत्म थी हुई वो सिर्फ इन जिला आ तो जिके मानू इफेक्टेड जाहिर थींदा तो उनन के वो आइसोलेट कंदा उनन के इन आम जिके रूटीन जा मानू ने उनन का थोड़ो अलग रखंदा ऐं उन्हनि खे आइसोलेट रखी करे प्रॉपरली ट्रीटमेंट ॾींदा हालांकि ट्रीटमेंट इहा कोन्हे त उहा जेकी प्रॉपरली अची वई आहे ट्रीटमेंट हिन जी अञा ताईं पूरी वर्ल्ड में नाहे पैदा थी सघी सिर्फ़ु हिन ते जेको आहे सो हिकिड़ो नॉर्मली डोज़ रखंदा जेको माण्हुनि खे घणी जेकी आहे त एहतियाती रखणो पवंदो हिन आइसोलेट थियण खां बाद में बि त माण्हुनि खे घुरिजे त आइसोलेट रहनि ताकी गवर्नमेंट खे बि आसानी रहे पंहिंजो कमु करण में ऐं माण्हू बि आइसोलेट रहंदा त हुनजो पंहिंजो फ़ाइदो आहे अच्छा अच्छा माजिद उन खां पोइ जेके ॾिसण वारा नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे इहा चई बि आगाह कंदा हलूं त जीअं जेका सोशल मीडिया ते इहा चई तमामु घणी वायरल थी रही आहे तमामु तेज़ी सां इहा गर्दिश वठी वई आहे इहा ॻाल्हि त गर्मी अचण खां पोइ जेका सो कोरोना वायरस जो जरासीम कमज़ोर थी वेंदो या मरी वेंदो त ईअं हरगिज बि कोन्हे को ऐं वज़ीर आला पंजाब सां जेका चाइना जा डॉक्टर जी मुलाक़ात थी हुई उन्हनि में उन्हनि इन शइ ते बाक़ाइदे ज़ाहिर कयो हुयो त गर्मीअ सां कोरोना वायरस जे जरासीम ते कंहिं बि क़िस्म जो को बि फ़र्क़ु नथो पवे त इन हवाले सां ऐं 28 ॾींहं वधीक इहा बि तजवीज़ जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त ॾिनी हुई त जेका सो लॉकडाउन में अञा बि वधीक वञो पर माजिद ॾिसो लॉकडाउन पंहिंजी जॻह ते ज़रूरु आहे पर हिन वक़्तु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी ॻाल्हि में मां थोरो हुन में असर ऐं वज़न ॻाल्हि खे सम्झां थो उहो इन तरीक़े सां ॻाल्हि खे सम्झां पियो त जीअं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चयो त असां मुकमल तौर ते लॉकडाउन जी तरफ़ नथा वञी सघूं उहो हुनजे करे नथा वञी सघूं त असां वटि उहे वसायल न आहिनि असां वटि ज़ख़ीरो न आहे उहो त जंहिं असां माण्हुनि खे लॉकडाउन कयूं या घरनि ताईं महदूद करे छॾियूं त असां पाकिस्तान जे माण्हुनि खे या जेके कची आबादी जा माण्हू आहिनि त असां उन्हनि खे उहे शयूं ॾेई सघूं तव्हांखे छा थो लॻे त उहे ॻाल्हियूं सही थींदी नज़र अचंदियूं छो जो वज़ीर आला सिंध CM साहिबु जेको ऐलान कयो हुयो त माण्हुनि जे घरनि ताईं राशन पुॼाईंदासीं या उहे पंहिंजे घरनि ताईं महदूद रहनि ऐं जेका सिंध हुकूमत आहे उन्हनि जो तावन कंदी त अहिड़े क़िस्म जो अञा ताईं का बि अहिड़ी अमली नज़र न आई आहे सवाइ सिंध हुकूमत जे ऐलाननि खां सवाइ असल में ॾिसूं न तव्हां त जेको हीउ वज़ीर आज़म पंहिंजो ऐलान कयो त जेको हे लॉकडाउन आहे उहो प्रॉपर न रखियो वञे ऐं महदूद तरह सां जुज़वी रखियो वञे छाहे त असां सिर्फ़ु इन में कंफ्यूज़ आहियूं त जेकॾहिं हिते बुख ते मरे थो त हिकु ॿ माण्हू मुतासिर थींदा ऐं मरंदा अलाह न करे त बुख जे मरण खां बहितर इहो आहे तव्हांखे लॻे थो त जेकॾहिं उहा बीमारी थिए उहो असां में वबा अचे जंहिंजो को इलाज ई न आहे ऐं उन बीमारी सां सॼी असांजी फैमिली मुतासिर थिए असांजो सॼो जेको आहे सो पाड़ो मुतासिर थिए असांजो सॼो शहर पाड़ो जेको आहे सो मुतासिर थिए सॼो जेको आहे सो ज़िलो मुतासिर थिए बुख जेकी आहे बुख वक़्ती हूंदी आहे बीमारी हीअ उहा आहे हीअ उहा वबा आहे जंहिंजो इलाज ई न आहे त उनखे माण्हू कीअं फेस कंदो बहरहाल मां पंहिंजे हिसाब सां वज़ीर आला सिंध खे जेको आहे सो हिकिड़ो एप्रिशिएट थो कयां त उन्हनि वक़्ताए थो फ़ैसिलो वरितो ऐं तमामु सुठो फ़ैसिलो वरितो जंहिंजे करे ही जेके आउटब्रेक थिया आहिनि 13 केस इहे वॾा न आहिनि 51 जेको आहे सो सिंध जे हवाले सां लाटकनि में 13 ऐं पूरा 51 जेके केस आहिनि उहे नॉर्मल आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में छो जो जेकॾहिं वक़्तु आहे त लॉकडाउन न कयो वञे हा त इहो 51 खे मां सम्झां थो त पंहिंजी जॻह ते हिन में तमामु हिकिड़ो सुठी रस्तो हुयो लॉकडाउन जो अच्छा लॉकडाउन त थी वियो हाणे उन खां पोइ आम आवाम जो जेके डेली वेजिस वारा माण्हू आहिनि जेके रोज़मरह जी ज़िंदगी गुज़ारनि था ऐं जेके रोज़ कमाए रोज़ खाइनि था त उन्हनि जे लाइ खोड़ सारा मसला आहिनि उहे जेका तमामु हिकिड़ी तंगीअ वारे सूरत हाल में अची विया आहिनि ऐं माण्हुनि जा घरनि जे अंदरि वेठे चुल्हा विसी विया आहिनि उन जा हालात इंतिहाई ख़राब थी विया आहिनि त इन बावजूदि अञा ताईं अहिड़ो को गवर्नमेंट जो वरितलु उपाव नज़र न आयो जंहिंमें CM साहिबु तव्हांखे ॿुधायो त राशन जे हवाले सां बि चयो हुयो या उनखां पोइ GSK जो बि माहौल जुड़ियो हुयो या उन सां गॾोगॾु वरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बि हिकिड़ो ॿियो हसास प्रोग्राम जो ऐलान कयो आहे त उन में तव्हांखे जेका सो ATM कार्ड हूंदो या तव्हांखे उन में तव्हां पैसा ॾींदा उन ते बि अञा ताईं अहिड़ो को अमल नज़र नथो अचे छा इहे जेके पैसा आहिनि या राशन आहे इहे वबा खां बाद में ईंदा असल में मिराज साहब ॾिसंदा हलो न तव्हां त मां इन शइ ते ॾाढो कंफ्यूज़ आहियां ऐं हिकिड़ो परेशानी जो माहौल बि आहे त डेली वेजिस जे कमाइण वारा माण्हू इंताई परेशानी में आहिनि पर असांजो जेके गवर्नमेंट्स आहिनि अनफॉर्चुनेटली उन्हनि खे अॼु ॾींहं ताईं इहा शइ न मिली सघी आहे त उन्हनि ताईं राशन कहिड़े तरीक़े सां पहुचायो वञे जॾहिं त असांजी नादरा जी डिटेल उन्हनि वटि आहे FIA उन्हनि वटि आहे सभु कुझु उन्हनि वटि आहे हर कंहिंजी सोर्सिस ऑफ इनकम गवर्नमेंट खे ख़बर आहे जेके जेतिरे राशन जा अहल आहिनि या न आहिनि त उन्हनि खे तव्हां उन सिलसिले पहुचाए था सघो या उन्हनि जेके लोकल उतां जा माण्हू आहिनि मां ईअं चवंदुसि त ॾिसो जॾहिं आदमशुमारी थींदी आहे त असांजा टीचर्स ते इहा ड्यूटी लॻाई वेंदी आहे जी त माण्हुनि जी वञी आदमशुमारी करे अचो माण्हुनि जे घरनि में वञी ॾिसिजो त केरु केतिरो आहे या कंहिंजो वोट दाख़िल आहे या न आहे तव्हां 12 महीना मास्तरनि खां कमु वठो था हिन दफ़े तव्हां इहा ड्यूटी मास्तरनि ते लॻायो उन्हनि खे
خبر آ سجی اچھا رگو جکا سو ماسٹر نے یا جکا سو ایجوکیشن ان سان کھوڑ سارا بیا بی ادارا پر اچھا ان سان گڈو گڈ یا گال کیا تے جے اگر گیس جا بل ہے بجلی جا بل ہے مانن دے دروازن تے مانن دے گھرن تے پوچھی وے تے راشن پوچھنے میں اخر کیڑا پرابلمز ہیں آسانی ان کے چھو نہ ملی سکی ہون ماں یہ ہی پہریاں بیٹس کیو تے جے کدے تا کے جنرل جے پاس ہو راشن پہچے ہندو تے وہ سمپل ہی پہچن باقی جے اسا دسندا سے تے بھائی مہران خان مکے ووٹ کیو ہو ماجد خان مکے ووٹ کیو ہو یا نہ یا جے تا کے فرق کرنو پندو نا الگ الگ تے ظاہر سی گل انڈرسٹڈ پوائنٹ آ گیا تے انے میں ٹائم ضرور لگل ان دے کرے ڈیلے آ اچھا ماجد ان کا پو جیے گال کیوں بلدیاتی حوالے سے تو ان وقت جے یو سی چیئرمین ہیں ان کے کم سے کم پینے جے سو یو سی میں ہوجن کھپن یا ان کے تو پورے معلومات ہوجن کھپے سو جو تا ووٹ کھڑے تو ان تا الیکشن وڑی تو ان کے لازم یہ علم میں ہوندی تو کیر غریب ہے کیر مستقی مانو ہے کیڑا کیڑا اتنے غریب رہن تھا کیڑا ڈیلی ویجز والا مانو ہیں چوجو یا ان جی پتا فرض ایکڑو ائے اچھا ان سا گڈو گڈ گال کیوں تو جی ہاں ایکڑو اچھو وڈا بوسن وارو بھی تھیو پانا بھی کل بھی ان گال تے ڈسکس ایکڑو ہلیو ہو تو یو سی وڈا بوسن جو چیئرمین بروئی صاحب ان باقاعدے جے کا سو اعجاز لگاری صاحب جے مثلا الزام مڑیا ہیں تو وہ 2,65,000 منتھلی مکھا وٹھے تو جڑے ماں ان کے پیسہ دینا ہیں ان دے باوجود وہ صحیح ڈسٹریبیوٹ نتو کرے صحیح نتو کرے سکے ان بابت تو کی تھا سو اصل میں دسو تو ہانے ان جو نظر محمد بروئی جو چوان آ تے پنجو اعجاز لگاری صاحب مکھا 2,65,000 ورتا ان سینس میں تو غریبن میں ڈسٹریبیوٹ کر پر جڑے تے ایڈو ٹائم گزرن باوجود وہ مانن میں ڈسٹریبیوٹ نہ تھی سکیا نظر بروئی چے پھر جڑے الزام مڑے تو تے اکڑی اعجاز لگاری سندھ حکومت پارا کرونا وائرس کا محفوظ رہنے لائے شہرین میں لاک ڈاؤن والی حکومت ہنگور جا میں مکمل طور تے عمل کیا ہو شہر جے میمن بازار پنجیٹی بازار سپنا مارکیٹ لکیری مارکیٹ اسٹاف بازار اے مچھر چوک سمیت سمورا کاروباری مرکز بند رہا پر ہانے مانن میں ان قسم جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے مانن میں ایڈی سنجیدگی
शायदि आऊं आहियां माजिद अबड़ो, जीअं त चाइना मां शुरू थियलु करोना वायरस जेको आहे सो हिन टाइम सॼी दुनिया खे पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो आहे। उन ई हवाले सां आवाम जे सवाल में काफ़ी महिमान असांजा आहिनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि थींदी आहे, पर अॼु जेको आहिनि से एस एस पी मसूद अहमद भंगज साहिबु आहिनि असां सां गॾु आहिनि, जंहिंसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं करोना जे हवाले सां ऐं पुलिस डिप्लॉयमेंट जे हवाले सां बि। त असां जॉइन कयो आहे मसूद अहमद भंगज साहिब खे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के हवाले से पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना सेटिस्फाइड है खुद? जी, तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार तैनात हैं लॉकडाउन के हवाले से, और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमने लॉकडाउन को इंश्योर करवाया। सिंध हुकूमत के अहकाम थे, फेडरल हुकूमत की इंस्ट्रक्शन थी, और इस लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो पब्लिक को ही है कि उन वो लोग जो है ना इन चीज़ों से, इस वबा से बचें, और कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन इफेक्टिव रहे। अच्छा मसूद साहब, एक तरफ से देखा जा रहा है कि करोना वायरस जो है इसके हवाले से बड़ा सेंसिटिव इशू है और सारी दुनिया को उसने मुतासर किया हुआ है, जबकि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में देख रहे हैं कि जवान ऐसे हैं जिनके पास ना सैनिटाइजर्स हैं, ना हैंड ग्लोव्स हैं, ना ही कोई N95 मास्क है, तो क्या जब खुदा न खास्ता करोना आएगी तो इससे पुलिस के जवान मुतासर नहीं होंगे? आप क्या समझ रहे हैं इसके हवाले से? जी बिल्कुल, हमें सिंध हुकूमत और आईजी साहब की तरफ से अभी सैनिटाइजर्स और ये ग्लव्स वगैरह मिल गए, हमने ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और इसके साथ साथ जो है ना ये जो आपने मास्क आया है सब मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मैक्सिमम मेजॉरिटी हमारी फोर्स को भी ये चीज़ें अवेलेबल है। देखिए ना, एक तो फ्रंट लाइन पे जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, और जबकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जवान ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमें ये भी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे जो अपना गिज़ा मिल रही है उनमें प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको गलत रिपोर्ट मिली है जी। बिल्कुल, हमने सेफ एंड सिक्योर फूड दे रहे हैं, और एक आध जगह कहीं ऐसी हो तो हो, अदरवाइज जो है ना हमने बड़ा इंश्योर किया है कि इनको सेफ एंड सिक्योर फूड दिया है। अच्छा मसूद साहब, ऐसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं, 144 जो एक्ट है उसके हवाले से बड़ा अमल भी कराया जा रहा है, लेकिन जो इसके अलावा तालुकाज हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में वो भी आप विजिट कर रहे हैं, वहाँ की डिप्लॉयमेंट आपने खुद देखी है या रिपोर्ट ले रहे हैं? नहीं, मैं डिफरेंट तालुकाज गया हूँ, डिफरेंट पुलिस स्टेशन की हदों में गया हूँ, और ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग ख़वातीन को बैठा कर निकलते हैं कि हम अस्पताल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं, वो मैक्सिमम झूठ भी होते हैं, लेकिन वो चूंकि अस्पताल का नाम लेते हैं, ख़वातीन का नाम लेते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल जाते हैं, अदरवाइज़ हम पूरी लॉकडाउन की कोशिश करते हैं। अभी दिन ब दिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि तकरीबन जैसे आपने अभी बताया कि लोग झूठ भी बोल रहे हैं आने के लिए, आज भी बड़ी रश देखी गई है शहर में, थोड़े सिटीजन्स मतलब ज़ाहिर हुए, उसके हवाले से आप मज़ीद सख्ती करेंगे या ये दिन ब दिन कम होती जा रही है? नहीं देखिए, ये हम सख्ती करते हैं फिर कहीं ना कहीं से जो है ना इनको कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है, और फिर कहीं ना कहीं से ये अपने लिए गुंजाइश निकालते हैं, और फिर शहर के अंदर काफ़ी घर हैं, काफ़ी मोहल्ले हैं जो हम लॉक नहीं डाउन, क्योंकि उनके तीन चार रास्ते हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी मूवमेंट रहती है, फिर फूड सब्ज़ी फूड आइटम्स इसके लिए वो डेफिनेटली निकलते हैं, तो फिर मैक्सिमम हमें गलत बयानी भी करते हैं, तो कर रहे हैं आँख मचोली, ये चलती रहेगी पब्लिक के साथ, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज का मकसद पब्लिक के लिए जो है ना वो उसको इस वबा से बचाना है, तो ये हमारा फ़ायदा नहीं है, ये आवाम का और पब्लिक का फ़ायदा है। अच्छा मसूद साहब, अभी एक केस ज़ाहिर हुआ है, आप खुद तबलीगी जमात से कंसल्ट हैं, उनको मुतासर भी हैं उनके हवाले से, तो एक बंदा जो ज़ाहिर हुआ है तबलीग के हवाले से अफेक्टेड है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, या आपने कोई ज़ाती उनके लिए नोटिस लिया है? देखिए, नोटिस लेना मेरा काम तो है नहीं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ कर रही है, और वो कहीं बाहर से ही आए हैं, ज़िले से बाहर से, तो जो यहाँ पर तबलीग वाले हैं उनको 350 लोग हैं वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, और उधर हमारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, तो जहाँ तक पॉसिबल है हम स्टर्न एक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा, एमरजेंसी रूट्स आप बताना चाहेंगे कि कौन से रखे हुए हैं आपने, जो हॉस्पिटलाइज की तरफ जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज बंदे हैं, तो उनके लिए कोई मखसूस रूट, जैसे अभी देख रहे हैं कि काफ़ी जगह से ऐसे हैं जहाँ पर रूट्स तो हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे, तो उनके लिए कौन सा रूट रखा हुआ है आपने जो हॉस्पिटल की तरफ से मतलब आना जाना रहे? देखें, हॉस्पिटल हमारे शेख जायद हॉस्पिटल है, एक सिविल अस्पताल है, एक चांडका वाले, तो इन तीनों के लिए एक एक रूट अवेलेबल है बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक आ जा रही है, आपको नज़र भी आ रही है, रोडों पर भी है,
تو لیکن کوشش کر رہے ہیں ہم کہ زیادہ سے زیادہ ان کو لاک ڈاؤن کو کامیاب بنائیں تاکہ لوگ گھروں سے نہ نکل سکیں. اچھا, جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ابھی جو دیہاتوں والے آپ کے پی ایس ہیں وہاں پہ جو ولیجرس ہیں ان کو پورے طریقے سے ابھی اویئرنیس نہیں آئی ہے کہ یہ اتنی جو وبا کرونا ہے اس کے حوالے سے وہ نہیں سمجھ رہے, اس کو مذاق سے لے رہی ہیں, سنجیدگی سے نہیں سوچ رہے, اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا ڈائریکشن دیں گے اپنے پی ایس کو؟ میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ آپ لوگ اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے نا آپ ان کو بتائیں کہ یہ نہ نکلیں, اپنے گھروں تک رہیں اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی, ہمارے شہر کے لیے. اچھا, ابھی ایک کل جو ہے سامنے آیا کیس ولید محلہ سے جو اپنا سوشل ٹرانسمیشن سے مبتلا ہوا ہے, اس کے حوالے سے اب میں ونس اگین یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کون سے ایفرٹس لیں گے اپنی ڈسٹرکٹ پولیس کے لیے, جسے وہ متاثر ہوا ہے سوشل ٹرانسمیشن سے, تو آپ کے جو جوان ہیں وہ ڈپلائمنٹ بڑی اچھی دے رہے ہیں, رات دن ڈیوٹی پہ بھی ہیں, ان کے حوالے سے آپ سندھ گورنمنٹ سے کیا مطلب کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں کچھ نہیں کہوں گا, میں تو یہی کہوں گا سندھ حکومت ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور ابھی ہمیں کافی چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ہم فرنٹ لائن پر ہیں اس ٹائم, دو ڈپارٹمنٹس بالکل فرنٹ لائن پر ہیں, ایک ہیلتھ اور ایک پولیس. تو اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر یہ لاک ڈاؤن نہیں رہے گا, کوئی ادر فورس نہیں ہے جو یہ لاک ڈاؤن کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ پولیس نے کسی بھی اس میں جو ہے نا قربانی سے دریغ نہیں کیا, تو اس میں بھی ہم فرنٹ لائن پر انشاءاللہ قربانی دیں گے. مزو صاحب, ابھی دیکھا گیا ہے کہ چائنیز ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا ہے کہ 28 ڈیز مزید بڑھایا جائے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, تو پنجاب میں یہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ بڑھایا جائے گا اور 28 اپریل تک انہوں نے بڑھایا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, مزید آپ جو ہے سختی کریں گے یا نارملی لیں گے؟ دیکھیے جی, ہم خود کچھ نہیں کرتے, ہمیں گورنمنٹ ڈائریکشنز دے گی تو ہم کریں گے, تو اگر سندھ حکومت کی طرف سے جو احکامات آئیں گے اس کو منو ان ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, مطلب کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں پھر بھی آپ کے لوگ فین ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں محدود رہیں, کم سے کم نکلیں, جب آپ کی ضروریات زندگی ہیں قریب جہاں جتنا قریب سے مل سکتی ہے وہ لے کر واپس گھروں میں جائیں, اور یہ ایسا ٹائم ہے کہ ساری قوم لڑ رہی ہے, لڑائی پاسیبل ہے نہیں کیونکہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا, یہ تو وائرس ہے اور اس نے کافی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کی ستیہ ناس کر دی ہے. تو میرا اب آنے والی جنریشنز کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا چند دنوں کی بات ہے, چند ہفتوں کی بات ہے, اگر ہم احتیاط کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ہمارے شہر کا بڑا فائدہ ہوگا. تھینک یو. جی ناظرین, مسعود احمد بھنگر صاحب جو گالیوں میں بدھوں ہیں انہوں نے یہ چوتا ہی بن قسم جی جنگا جے کی عام مانو انہوں کے گھر میں آئسولیٹ تھی کرے وینو ہے, اساں کے جو گا سو انہوں کے عمل کرانوا کے باہر نہ نکرو, ہی صرف انہوں جو فائدہ نہ ہے, انہوں جو خاندان جو فائدہ ہے, انہوں جو پانچو فائدہ ہے. بدبودار وارڈ ٹھہلا, تو ان بابت میں چاہوں جی تو گھر بھی آئے
जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ हर मानू ते कनेक्टेड आ हेल्थ सा वाबस्ता जको भी मानू आए उना के पांजे पांजे इलाकन में इन शय जो नोटिस वठन खपे अज जे दौर में हर के वटे सोशल मीडिया जो एक्टिविटीज मौजूद है वे उनन के जको आ शो कन आए हाने जको बिलावल साहब आयल आ उनन के ये जके सेहत जा इदारा आ उनन जे लाए सख्ती सा नोटिस वठन खपे त ही जेके असांजा सिहत जा इदारा जॾहिं उहे ई साफ़ न हूंदा उते ई जेके आहिनि से गंदगी जा ढेर हूंदा त आख़िर माण्हुनि खे सिहत किथां मिलंदी सो उनखे नोटिस वठण जी ज़रूरत आहे हिन हवाले सां अच्छा माजिद हुन खां पोइ लाड़कण जी सुतल इंतज़ाम जे लाइ छा चवंदो आहे जेका अञा ताईं कंहिं निंड मां सुजाग न थी सघी आहे अञा ताईं स्प्रे न कयो करायो वियो आहे असल में ॾिसो न मां अॻ में चयो हो त ही उहो टाइम आहे बलदियाती इलेक्शनूं अचण वारियूं आहिनि ऐं जेकॾहिं हू माण्हुनि ताईं डिलीवर करे चुका आहिनि कुझु या कंदा हाणे बि टाइम आहे पोईं कारकरदगी हुननि जी जहिड़ी रही उहा हुन जो वक़्ताइती हुई हाणे जेकॾहिं माण्हुनि ताईं कुझु डिलीवर कंदा त हू जेकी ईंदड़ बलदियाती इलेक्शन आहे हुन में डेफिनेटली विन कंदा जेकॾहिं हू माण्हुनि खे आसाइशूं न ॾींदा बलदियात जो निज़ाम जेको आहे सही न ॾींदा त अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे हू हिन दफ़े बि जीअं इलेक्शन में तव्हां ॾिठो त शिकस्त खाधी आहे लाड़काने पंहिंजे होम टाउन मां पंहिंजे घर मां शिकस्त खाधी आहे मे बि हिन बलदियात इलेक्शन में बि शिकस्त खाए जेकॾहिं हुन जी इहा ई कारकरदगी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ज़रूरु अॻिते खणी हलूं हा पर असांजे प्रोग्राम जो डायरेक्टर साहिबु जेका सो प्रोग्राम ख़तमु करण लाइ चई वियो आहे प्रोग्राम जो टाइम पंहिंजे पुॼाइण खे पहुतो अच्छा अच्छा नादरीन मां वरी बि हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु चवंदुसि त जेका सो पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान हिन वक़्तु अहिड़ी हिकु वबा में आहे जंहिंखां बचणु तमामु हिकिड़ो ॾुखियो बणिजी वियो आहे हुनजे करे ॾुखियो बणिजी वियो आहे जो असां पंहिंजे घरनि ताईं महदूद था रहूं ख़ासि करे जेका पुलिस अहलकारनि या कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारा आहिनि जेके सिविल सिटीज़न आहिनि जेके शहर जा माण्हू आहिनि उन्हनि जी गुज़ारिश आहे त उन्हनि सां कंप्रोमाइज़ कयो उहे तव्हांखे असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿाहिरि रोकण खां इन जे करे था रोकनि त जीअं हीअ वबा आहे हीअ बीमारी आहे अञा वधीक न फैली सघे नाज़रीन असांजे प्रोग्राम जो टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे वरी इनशाला सुभाणे मिलंदासीं हिन ई टाइम ते ऐं तेसीं ताईं असांखे ॾींदा इजाज़त अलाह जी कृपा News Web TV.